है, लेकिन प्रेशर को भी आप उसी तरह डील करें जिस तरह कंसंट्रेशन को डील करते थे। तो बताओ एनओ के ऑर्डर के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स लेने चाहिए हम? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में ये कांस्टेंट है, और अब आप देखो कि हाफ हो रही है ना कंसंट्रेशन, या नीचे से ऊपर जाओ तो डबल हो रही है। कैसे लूं बेटा, ये क्या हो रही है? हाफ हो रही है कंसंट्रेशन, 1/2। तो अब इसको 2 से डिवाइड करो 1.5 को, या 4 से डिवाइड करो, चेक करो क्या ये 2 टाइम 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है या हाफ के वे में डिक्रीज हो रही है। 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, लाइक दिस। 1/4 से मल्टीप्लाई करें टू गेट दिस थिंग। ऐसा है बेटा? तो फिर इससे क्या आप कंक्लूड करते हो कि ये सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एनओ। यहां तक क्लियर है बेटा? जी हाँ। एक्सप्लेनिंग हाउ यू अराइव, इसके दो वे हैं। एक आप वर्ड में आंसर दें, वर्ड में आंसर ऐसे दें आप रेफर करें कि आप किन एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही हैं। तो आप ये रेफर करें एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में ऐसा है। तो एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में द कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ऑफ एनओ इज डिक्रीज बाय हाफ एंड रेट डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ये सेंटेंस लिखना आपने। अगर आप वर्ड में आंसर नहीं देना चाहते तो अल्टरनेट वे क्या है, आप फॉर्मूला यूज करें। कौन सा फॉर्मूला? C2/C1 R2/R1। अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फिर वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो इस फॉर्मूला में प्लग करें बेटा वैल्यूज, जल्दी से हम प्लग कर लेते हैं। P1 भी ले सकते हैं और C1 भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं, क्योंकि गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर इक्विवेलेंट होते हैं। तो हाउ इट गोज बेटा, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.60 पावर n इज इक्वल टू 3.75। बेटा करें, इससे क्या बनता है? समवन शुड सॉल्व दिस राइट साइड वाला फ्रैक्शन। इससे 4 आता है कि नहीं? और बेटा या 1/4 आता है कि नहीं? व्हाट इट गिव्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 1/2 बेटा, इज इट 1/2 पावर n? एंड व्हाट यू गेट हियर ऑन द राइट हैंड साइड, 1/4। ऐसा है बेटा, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर 2। तो व्हाट इट मींस कि n क्या है? सो सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एन ओ, ठीक है? आप मुझे बताएं हाइड्रोजन के लिए क्या करना चाहिए। वर्डिंग में भी कर सकते हैं। देखो कुछ बच्चे वर्डिंग में कंफर्टेबल होंगे, कुछ बच्चे फॉर्मूला में कंफर्टेबल होंगे। जिसका जो दिल करता है वो कैरी करे, जो फॉर्मूला कैरी करना चाहते हैं फॉर्मूला कैरी करें, जो वर्ड्स में लिखना चाहते हैं वर्ड्स में लिखें, ठीक हो गया? अच्छा आप बेटा बताएं कि व्हाट टू डू फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स लें? 1 एंड 3 क्यों बेटा? 1 एंड 3 में क्या ऐसी बात है? 1 एंड 3 ले लें, चलें 1 एंड 3 अगर लें तो फिर बेटा ये देखें, ये कॉन्सेंट्रेशन नीचे से अगर मैं ऊपर जाऊं तो डबल हो रही है कि नहीं 1 एंड 3 में? और रेट क्या हो रहा है बेटा? 7.50 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डू यू गेट दिस 1.50? यस आई थिंक। तो एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 अगर हम लें 1 एंड 3 में, तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से रेट डबल हो रही है। तो कौन सा ऑर्डर हुआ? फर्स्ट ऑर्डर हुआ विद रिस्पेक्ट टू H2, ठीक है? कुछ बच्चे फॉर्मूला से करना चाहेंगे, वो फिर कैसे होगा? C2/C1 R2/R1 फॉर्मूला लगा दो, यही आप फर्स्ट ऑर्डर तक पहुंचोगे। जी हाँ, 2 एंड 3 को अगर आप लोगे तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, C2/C1 पावर n। 2 2 एंड 3 बेटा कह रहे हो? ओके, तो फिर आप ये फॉर्मूला लोगे, C2/C1 पावर n इज इक्वल टू R2/R1, ठीक है? क्योंकि 2 एंड 3 में दोनों कॉन्सेंट्रेशन, दोनों प्रेशर चेंज हो रहे हैं, तो फिर आप दो दफा कॉन्सेंट्रेशन को यूज करोगे। लेकिन आपने पेपर में ये भी देखा ना कि टाइम सेफ हो, ऐसे वे से जाना है जिससे काम कम टाइम लगे, तो टाइम भी बचाना है। जी आप
अगर दो दफा कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं तो एक ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप बेटा इसमें एक क्वेश्चन देखें, और इस तरह का क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर में भी है। इस क्वेश्चन को आप सोचें कि इसका वे आउट क्या है। लेट मी डिस्कस दिस वन। ओके बेटा ये क्वेश्चन देखें, विजिबल है सबको? टेबल बनाना था अभी, ये वर्कशीट मिलेगी बेटा आपको, सॉरी नहीं नहीं अभी नहीं, चैप्टर थोड़ा ग्रो करे ना फिर मैं सेंड करूँ। खैर बेटा वर्कशीट में आ जाएगा क्वेश्चन, डोंट वरी, या क्लास के एंड में मुझसे ले लो, ठीक है। ये है पिक्चर, ले लो इसकी। बेटा इस पे सोचें, इस पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे या वर्ड्स करेंगे आप? ओके नाइस, देखो आमतौर पे ये होता है कि अगर हम एक रिएजेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे ही था बाकी एग्जांपल्स में, इसमें कोई भी सेम नहीं है, कोई कॉन्सेंट्रेशन भी सेम नहीं है, ये भी सारी चेंज हो रही है, ये भी सारी चेंज हो रही है। ओके कैसे पता चला? ओके बाकी लोग सोचें, शाबाश गुड, सोचो बेटा इसमें से कोई हल निकालें, इस मसले का वे आउट निकालें। एक्सपेरिमेंट वन एंड थ्री ये कह रहे लें, क्यों बेटा वन एंड थ्री में क्या ऐसी खास बात है? हाँ बाकी कोई, मैं चाहता हूँ जरा सोचें इस पर। अगर आप लोग एग्जाम में और ये क्वेश्चन आ जाता फिर, या इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, कोई ना कोई वे आउट होगा, अगर आप सोचें तो वे आउट निकल आएगा। जी कुछ पहुंचे? देखो बेटा इसमें फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट अगर लें तो ये 1.1 का डबल क्या है, 2.2, तो इस कॉम्प्लेक्स की कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है। दूसरी तरफ रेट को देखें तो रेट भी एग्जैक्टली डबल हो रहा है, 1.6 से 3.2 जा रहा, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन से, इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने से रेट डबल हो रहा है, इससे ये फील आ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने कोई रोल प्ले नहीं किया, हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही है। तो पहले हम ये जहन में अजम्पशन लेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जीरो ऑर्डर है, ठीक है, यानी हम वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे फुली आ जाते हैं। बेटा देखें गौर से सुने मेरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपेरिमेंट वन एंड टू में डबल से भी ज्यादा हो रहा है कि नहीं? कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन वन एंड टू में, ये ब्लैक ब्लैक राइटिंग को देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डबल से भी ज्यादा हो रही है कि नहीं? लेकिन करिस्पॉन्डिंग रेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन डबल से भी ज्यादा है लेकिन रेट देखें 1.6 से किधर तक पहुंचा, 2.3 तक पहुंचा, वो भी शायद इस वजह से है, बल्कि यकीनन इस वजह से। तो ये एक्सपेरिमेंट वन एंड टू आपको सजेस्ट कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलेटिव जीरो ऑर्डर है। ये बात समझ आई कि नहीं? जी बेटा आप पहले सोचें, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 1.7 से 3.6 हुई, ये डबल से भी ज्यादा है कि नहीं? तो क्या रेट डबल हुआ? रेट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 1.6 से 2.3 बहुत ज्यादा चेंज नहीं है ना, उधर कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज है, इससे क्या मतलब निकल रहा है? इससे मतलब ये निकल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन रेट को इफेक्ट, पहले तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को डील करें। तो आप कौन से एक्सपेरिमेंट्स लिए आपने, वन एंड टू में
कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इज मोर देन डबल, मोर देन डबल, बट नो सिग्निफिकेंट चेंज इन रेट, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन रेट। ये बात समझ में आई? तो क्या कंक्लूड हुआ बेटा इधर से, कि जीरो ऑर्डर है, क्या जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जब बेटा क्वेश्चन आए तो घबराएं मत, उसको देखें, सोचते रहें, पेपर में कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। ठीक है, अगर आप सोचते रहें तो कोई ना कोई वे आउट होगा। हम नहीं पता कि मई जून में कैसा क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा उसका वे आउट होगा क्वेश्चन के डेटा में ही। अब बेटा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप मेंशन करें एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 को बेटा। किसको? एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 को। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 बेटा क्या सजेस्ट कर रहा, कि ये जो कॉम्प्लेक्स है रुदीनियम कॉम्प्लेक्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, डबल हुई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई और रेट भी डबल्ड, एंड रेट आल्सो डबल्ड। तो फिर कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, अब आगे अगर इसकी रेट इक्वेशन बननी हुई तो रेट इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, रेट इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखने की जरूरत नहीं है, और जो रोदीनियम कॉम्प्लेक्स है उसकी एक्सपोनेंट 1 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 0 ऑर्डर है तो उसको मत लिखें। ये वे आउट था, कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन। पर सेकेंड यू के का यूनिट पर सेकेंड होगा इसमें, यस। ठीक है, बस बाकी जो इसमें टेबुलेटेड डेटा के क्वेश्चंस है वो आप मैनेज कर लोगे। फॉर एग्जांपल बेटा इस टेबल को देखो, आप इस टेबल में बताएं हाइड्रोक्साइड के ऑर्डर के लिए क्या करना है, और ये बेंजीन कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिक में आप सीखोगे बेंजीन कंपाउंड है, बेंजीन डेरिवेटिव है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड और OH के लिए क्या करना है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स लें, 1 एंड 3 लें। क्यों बेटा, 1 एंड 3 में हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो क्या हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं, और उधर से रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हुई कि नहीं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। देखिए फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन ये लिखें कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज 3 टाइम्स एंड रेट आल्सो इंक्रीज 3 टाइम्स। जो बच्चे ये नहीं लिखना चाहते वो फॉर्मूला लिख लें, C2 by C1, R2 by R1। समझ आई, फॉर्मूला लिखते हो या वर्ड में लिखते हो ये आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद बेटा हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करना है, हाइड्रोक्साइड आयन के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स लेने, क्या बाकी सब चेंज हो रहे हैं? हाँ देखें सब चेंज हो रहा है, तो आप एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 ले लें। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये R2 है और ये R1 है। तो हाउ इट गोज, 0.10 डिवाइड बाय 0.05 रेस टू द पावर, इसका ऑर्डर कैलकुलेट हो गया 1। ठीक है, उसके बाद फिर 0.20 डिवाइड बाय 0.10 रेस टू द पावर एन, और फिर 1.0 डिवाइड बाय 0.5। तो बेटा इसको सॉल्व करो तो ये देखो इससे क्या बनेगा, ये 2 डिवाइड, इससे 2 बनेगा, 2 पावर n, डजंट मेक सेंस। तो कैन यू राइट ये 1 डिवाइडेड बाय 0.5, और ये इधर आके रेसिप्रोकेट हो जाएगा पहला वाला टर्म, तो दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाय 0.10। ये विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं? क्यों बेटा कर सकते हैं, इससे 0.1 आ रहा है, श्योर या 1 आ रहा है, 1 है या 0.1 है, 1 है। अगर 1 है तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 0, 1 को 2 पावर 0 लिख सकते हैं,
तो 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 0, इसका क्या मतलब है, n इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑर्डर हुआ, 0 ऑर्डर हुआ। सफिशियंट हो, देखो कैलकुलेशन रीजन नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है, कैलकुलेशन इज रीजन एक्चुअली, यानी जरूरी नहीं कि वर्ड ही रीजन हो, कैलकुलेशन इज रीजन। यस डबल, हाँ। अच्छा देखो बेटा, अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते 1 एंड 2 में, सोचें 1 एंड 2 में अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, वर्ड्स लिखना चाहते हैं, तो क्या बेटा आप नोटिस कर रहे हैं, 1 एंड 2 को देखें, ये कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई कि नहीं, उधर से रेट भी डबल हुआ, कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने से रेट डबल हो रहा है, तो ये आपको इंप्रेशन दे रहा है कि 0 ऑर्डर है। OH क्या है, 0 ऑर्डर है, क्योंकि हमें कंफर्म हो चुका है ना पहले पार्ट में कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हम कंफर्म है कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हम कंफर्म है कि ये रेट में जो चेंज है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से है, तो दूसरा फिर हम 0 ऑर्डर कंसिडर कर लेंगे। गॉट इट? तो आप यूं रीजनिंग भी दे सकते हैं फॉर्मूला अगर नहीं यूज करना चाहते। तो बेटा अब ये टू बी कैलकुलेटेड, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, के की वैल्यू ढूंढेंगे, अगर के की वैल्यू नहीं ढूंढनी फिर कोई और वे है। हाँ यस, बेटा ये टू बी कैलकुलेटेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप ये जा सकते हो इस फॉर्मूला से, C2 by C1, ये C2 by C1, लेकिन आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 0 ऑर्डर है, और इसको क्या कह दो, R2 by R1, तो इसे अप्लाई करो 0.20 डिवाइडेड बाय 0.15, इसका ऑर्डर क्या था, फर्स्ट था, और आपके पास R2 अननोन है लेकिन R1 1.5 है, कैन यू कैलकुलेट दिस, जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे टू बी कैलकुलेटेड आ जाएगा आपके पास, ये आगे पूछा भी हुआ है क्वेश्चन में आगे कि टू बी कैलकुलेटेड यानी इस रेट की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करते बेटा, देखो गौर से, अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करते तो टू बी कैलकुलेटेड कैसे कैलकुलेट होगा बगैर फॉर्मूला के, टू बी कैलकुलेटेड बगैर फॉर्मूला के कैसे कैलकुलेट होगा, देखो ये 0.05 से 0.1 बना, 0.1 से 0.15 बना, 0.15 से 0.2 बना, 0.5 का इंक्रीज है, इधर देखो 0.5 से 1.5, 1. सॉरी 0.5 से 1.0, 1.5, तो इधर क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी, फॉर्मूला से भी 2 आएगा। और अगर आप फॉर्मूला नहीं चाहना चाहते, इसको सोचें इस डेटा को, तो खुद ही आपको वे आउट मिलेगा कि इसका टू बी कैलकुलेटेड इज 2। ठीक है, अगर आप डाउटफुल हैं तो फॉर्मूला यूज करें, अगर आपको श्योर नहीं है फिर फॉर्मूला पे आ जाएं। सॉरी